हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म हैप्स के बारे में। आप सब में से बहुत सारे लोग हैप्स प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि आप इसे सिंपली एक ब्रिज के रूप में समझिए, जो कि इंडियन मिलिट्री के इंडियन सैटेलाइट और यूएवी के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बनता है, उस गैप को फिल करने के लिए बनाया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म वेरी हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में सक्षम है, जो कि लगभग 18 टू 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा होता है। और इतने ऊंचाई पर फ्लाई करने के कारण ये प्लेटफॉर्म कन्वेंशनल यूएवी ड्रोन के मुकाबले ज़्यादा एडवांटेज रखता है, क्योंकि ये हैप्स प्लेटफॉर्म लगभग 65,000 फीट टू 70,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे होते हैं और फाइटर जेट भी लगभग इसी हाइट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हैप्स प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और अपने इसी एडवांटेज के कारण ये हैप्स प्लेटफॉर्म एनमी के टेरिटरी में स्ट्रेटजिक टारगेट के पूरे एरिया को एक ही बार में स्कैन करने में सक्षम होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा डीप स्कैन कर पाता है। वहीं क्योंकि ये इतने ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा होता है, इसे सनलाइट हमेशा मिलती रहती है, जिसकी वजह से इसकी ऑपरेशनल डेज एक बार में 90 डेज का होता है, जबकि यूएवी का 2 से 3 दिन का ही होता है। तो इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एजाइल सिस्टम बन जाता है। भारत द्वारा अपने इंडिजीनियस हैप्स प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क किया जा रहा है और इसके लिए जो AIP है, यानी कि अप्रूवल इन प्रिंसिपल, तो उसे ग्रांट कर दिया गया है और भारत में इसे NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इस प्लेटफॉर्म को बना रही है। इसके अलावा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी कुछ न्यू स्टार्टअप जैसे कि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ऐसे प्लेटफॉर्म को बना रही है, जहां पर HAL द्वारा भी हाल ही में 42 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शंस किए गए थे और अगले 2 से 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट बनकर रेडी रहेगा। पहले इसके स्मॉलर वर्जन को बनाकर टेस्ट एंड ट्रायल किया जाएगा, फिर इसके बिगर वर्जन को बनाया जाना है। हैप्स प्लेटफॉर्म इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कैट्स वॉरियर फैमिली के तहत बनाए जा रहे हैं, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ अनमैन्ड व्हीकल आपस में इस हैप्स सैटेलाइट के थ्रू बात कर पाएंगे, साथ ही रियल टाइम पे कम्युनिकेशन ग्राउंड के साथ भी रिले कर पाएंगे। वैसे तो ये काम हमारे सैटेलाइट भी करते हैं, लेकिन सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर होता है, वहीं पर जो UAV है वो एटमॉस्फेयर के लोअर एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो कि लगभग 45,000 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं। ऐसे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मीडियम एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर रहा होगा, ये इंडियन मिलिट्री को एनिमी के अगेंस्ट में कॉम्बैट पायरेसी करने, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे क्रिटिकल मिशन को कंडक्ट करने, एनमी द्वारा की जाने वाली घुसपैठ जैसा कि हमने लद्दाख में देखा, और एनमी द्वारा अपने टेरिटरी में काफ़ी डीप बनाए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का पता लगाने और उसके ऊपर निगरानी रखने और 24/7 निगरानी रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। होप कि ये प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द बनकर रेडी हो जाए। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।